कुछ दिन पहले एक मां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट करते हुए कहा था, उनके 3.5 साल के एक बच्चे के लिए लॉकडाउन के कारण कहीं से भी ऊंट का दूध नहीं मिल पा रहा। महिला ने अपनी ट्वीट में ये भी बताया था कि उसके बच्चे को गाय, भैंस या फिर बकरी के दूध से एलर्जी है और इस वजह से उसे ऊंट के दूध की जरूरत है। इसके बाद रेलवे ने मुंबई में महिला तक 20 लीटर ऊंट के दूध की सप्लाई की। शनिवार को आईपीएस ऑफिसर अरुण बोथरा ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी थी और इसके बाद से ही आईपीएस ऑफिसर का ट्वीट काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, रात को ट्रेन के जरिए मुंबई में 20 लीटर ऊंट का दूध पहुंचाया गया। इसके बाद परिवार ने इस दूध को एक दूसरे परिवार के साथ भी शेयर किया जिन्हें इसकी जरूरत थी। उत्तर पश्चिमी रेलवे के CPTM तरुण जैन ने कंटेनर को पिक करने के लिए एक अनिर्धारित ट्रेन को भेजा था। बच्चे की मां रेणु कुमारी ने पीएम मोदी को टैग करते हुए ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने अपने बच्चे की स्थिति के बारे में बताया था। अपनी ट्वीट में उन्होंने लिखा, सर मैं 3.5 साल की बच्चे की माँ, उसे ऑटिज्म है और बहुत से खाने से एलर्जी है। वो ऊंट का दूध और थोड़ी बहुत सी दाल खा सकता है। जब लॉकडाउन हुआ तब मेरे पास बहुत ज्यादा ऊंट का दूध नहीं था। आप राजस्थान के सादरी से ऊंट का दूध और इसका पाउडर पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। इसके बाद देश भर के लोगों ने इस पर अपने सुझाव दिए। इनमें IPS ऑफिसर अरुण बोथरा भी शामिल है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।